दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉपर्स टिक पर। दोस्तों जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर एक ग्रुप डी के एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो मैं अपीयर हो गया हूँ, आज जो पहला शिफ्ट खत्म हुआ है रेलवे ग्रुप डी का उसका एग्जाम लेकर के 18 सितंबर का, तो आपके सामने ये क्वेश्चन एक एक करके मैं रखूँगा, जो जनरल साइंस का, जीके का, करंट अफेयर्स का और मैथमेटिक्स से भी कुछ सवाल रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए ताकि आपको आइडिया मिल जाए अगले शिफ्ट के लिए और अपनी अगले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो आपका अगले डेट में होने वाला है। तो चलिए सीधा टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन देख लेते किस तरह क्वेश्चन आए हैं पहले शिफ्ट में 18 सितंबर को। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो झारखंड के सीएम का पूछा गया है। ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए तो इसका आंसर मैं बता दूं रघुवर दास है। तो ये आपको मैंने कहा है कि राज्यपाल और सीएम ये आपको रट के जाना है। उसके बाद देख लीजिए एक और है कि मुरादाबाद जो स्मार्ट सिटी है वो किस राज्य में है। तो कितना आसान सवाल है, हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद सिटी है। उसके बाद देखिए एक टीम सऊदी यानी क्रिकेट से एक सवाल आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टीम सऊदी के बारे में लिखा हुआ है कि टीम सऊदी जो है क्रिकेटर किस देश के हैं। तो आपको पता है ये सवाल बहुत आसान है, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है टीम सऊदी। उसके बाद लेक से सवाल पूछा है, दो लेक से सवाल पूछा है, एक हुसैन लेक का पूछा है, हुसैन लेक कहाँ है तो ये मैं बता दूँ हैदराबाद में है, और एक नैनीताल लेक का कहाँ है तो नैनीताल लेक कहाँ होगा तो वो नैनीताल में होगा और नैनीताल है कहाँ तो उत्तराखंड में। तो इस तरह से ये उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। उसके बाद मिनिस्ट्री के बारे में पूछा, मैंने आपको कहा था कि मिनिस्ट्री आपको रट के जाना है क्योंकि ये एक दो सवाल पूछना ही पूछना है आपका। तो रक्षा मिनिस्टर का इस बार पूछा है यानी जो डिफेंस मिनिस्टर ही कौन है, तो आपको मैं बता दूँ जो हमारी निर्मला सीतारमन है अभी वो डिफेंस मिनिस्टर है। उसके बाद देख लीजिए एक ट्रेन का पूछा है, यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन सऊदी अरब की कौन सी है यानी सऊदी अरब की हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है, उसका नाम बताना है तो उसका नाम हरमैन करके नाम है तो ये इसका सही आंसर चला जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर ये फिर पूछा, मैंने कहा कि मिनिस्ट्री आपको रट लेना है तो हेल्थ मिनिस्टर का पूछ रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप स्वास्थ्य मंत्री, तो ये हमारे अभी जेपी नड्डा हैं। उसके बाद ने एक बीमारी का पूछा है, जनरल साइंस के सवाल है कि नियमेटा बीमारी किस वजह से होती है। तो मैं बता दूं मरकरी जो होता है, मरकरी अगर बच्चे के नाक के द्वारा किसी तरह खा लेते हैं कोई चला जाता है तो वो बीमारी हो जाती है। उसके बाद एक सवाल पूछा है हिस्ट्री से पूछा, देख लीजिए आप कि गुलाम वंश की शुरुआत किसने करी थी, तो इसका जो सही आंसर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये सही आंसर चला जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया, और भी क्वेश्चन अलग अलग है। ये देखिए एक बताया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिला दिवस कब हुआ, तो महिला दिवस पता है आपको 8 मार्च को मनाया जाता है डेली हर साल अर्ली। उसके बाद लार्जेस्ट बोन का पूछा है कि लार्जेस्ट जो बोन है यानी सबसे बड़ी हड्डी जो है हमारे जिस्म में कौन है, वो आपको बता दूं मैं, ये जांघ की हड्डी होती है जिसका नाम होता है फीमर। उसके बाद सबसे छोटी हड्डी का भी पूछ सकता है आपसे तो वो कान की हड्डी होती है, ठीक है। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ रहा है फिर से, तो एक कैमरा होता है इसकी राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। मिस फेमिना पूछा है कि मिस फेमिना किसको मिला है, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है वो अनुकृति व्यास करके है एक लड़की उसको मिला है। उसके बाद ये कुछ सवाल पूछे हैं जैसे वर्ल्ड हॉकी स्पॉन्सर कौन है, जो अभी वर्ल्ड हॉकी कप होने वाला है इंडिया में, इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। कल भी पूछा गया था कि कहाँ होगा, तो इंडिया में होगा इसका सवाल, लेकिन आज पूछा गया उसका स्पॉन्सर कौन है, तो इसका नाम मुझे भी याद नहीं है, आप लोग थोड़ा देख लेना। उसके बाद आईपीएल राजस्थान के कोच का नाम पूछा है, तो इसका कोच का नाम मेरे ख्याल से ब्रॉड हैच होना चाहिए, हच होना चाहिए, लेकिन आप लोग देख लेना कौन है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। उसके बाद बेस्ट ऑस्कर अवार्ड एक्टर है तो ये देख लेना आप। उसके बाद मैथमेटिक्स के ऊपर आ जाता हूँ मैं, तो मैथमेटिक्स का देख लीजिए सवाल जो पूछा जा रहा है मोस्टली आसानी सवाल पूछा जा रहा है, सीआई से पूछा है सवाल, दो सवाल पूछा है सीआई से, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिलाकर के पूछा है, एज रिलेटेड दो सवाल पूछ रहा है। उसके बाद फ्रैक्शनल में डेसिमल से भी दो सवाल पूछा है, और तो इस तरह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, नंबर सिस्टम से भी कुछ सवाल आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क से भी एक दो सवाल आ रहे हैं, तो सवाल हर सब सेक्शन से आ रहे हैं आपके, तो वो सब आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक दो सवाल दिखा देता हूँ, वो आपको पता चल जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल आया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी यानी साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना था। इसी तरह से एक सवाल यहाँ पे ये था कंपाउंड इंटरेस्ट का, मैं आपको बता दूँ कि सेलिंग प्राइस अगर 45 है लॉस 20% है तो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी बताओ, तो इस तरह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जनरल साइंस की बात करूँ तो जनरल साइंस में आपको पता है जो फिजिक्स केमिस्ट्री है यहाँ से मोस्टली सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं जो है जनरल साइंस है और जीके सारे क्वेश्चन आप लोग को, जनरल साइंस के क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो आपको जो प्रेडिक्टेबल है वहाँ से आएंगे क्वेश्चन, साथ में जो कुछ जैसे फिजिक्स के रहेंगे वो रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ लेनी है। केमिकल फार्मूलाज जो छोटा मोटा रहता है वो रहता है, मतलब रैंडमली सवाल आते हैं, आसान सवाल आ रहे हैं सारे शिफ्ट में, मैं आपको बताऊँगा। तो अगले शिफ्ट में भी मैं इसी तरह से क्वेश्चन लेके आऊँगा। सबसे पहले तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सभी का।